प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं मेरे चैनल पर। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही सुंदर विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। और आज जब मैं न्यूज़ देख रहा था, वहां पर मैंने देखा कि पूरे विश्व भर में एक होड़ लगी हुई है कि लोग हमेशा जवान देखना चाहते हैं। जो एंटी एजिंग थेरेपी और एंटी एजिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो लगभग 10 लाख करोड़ डॉलर का 2030 तक हो जाएगा। लोग अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। कई ऐसी रिसर्च चल रही है, ऐसे महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ऐसी थेरेपी आ रही हैं जो लोगों को ये उम्मीद बंधाती हैं कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो हमेशा जवान दिखते रहेंगे। लेकिन एरिजोना की 2017 की एक स्टडी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी उम्र का ढलना और अपनी त्वचा का बूढ़ा होना रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बाइबल से ये सीक्रेट आज मैं बताऊं कि ये बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लाखों डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही आसान और बिल्कुल फ्री मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि आप अगर हमेशा जवान देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब उसका 37वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 120 वर्ष की उम्र में मूसा मर गया, लेकिन मृत्यु तक, मरने के समय तक, ना ही उसकी आँखें धुंधली पड़ी थी, ना ही उसके बाल सफ़ेद हुए थे, ना ही उसका पौरुष घटा था। वो बिल्कुल एक जवान व्यक्ति की तरह 120 वर्ष की उम्र में भी दिखा करता था और वैसी उसकी चाल ढाल और उसकी एनर्जी लेवल हुआ करती थी, जो कि 22 लाख लोगों को लेकर मिस्र से प्रॉमिस लैंड के लिए निकला था। आप देख सकते हैं आज 80 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, लेकिन 120 वर्ष, आप समझ रहे कितनी होती है, बिल्कुल वो एक जवान व्यक्ति की तरह था। आप देखते हैं अगर बाइबल आप पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम 100 वर्ष की उम्र में और सारा 90 वर्ष की उम्र में माता और पिता बने। आज साइंस कहती कि 30 वर्ष की उम्र के बाद एक औरत का माँ बनना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन आप सोच सकते हैं 100 वर्ष की उम्र में, साइंस के हिसाब से नहीं हो सकता, अर्थली साइंस के हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन हेवनली साइंस के हिसाब से सब कुछ हो सकता है। आप अगर देखेंगे कि जब इजरायली मिस्र से निकले प्रॉमिस लैंड की तरफ, तो वहाँ लिखा है 40 वर्ष तक ना ही उनके कपड़े पुराने हुए, ना ही उनके मोजे फटे। आज मोजे आप खरीद के लेकर आते हैं, कितने भी महंगे से महंगे लेकर आए, 6 महीने के बाद उनकी हालत क्या होती है। 40 वर्ष तक, यहाँ फिर सजीव वस्तुओं की, लिविंग बॉडी की बात नहीं हो रही है, मैं निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाला था, आपने सुना होगा कि एलिशा जब मर गया और उसको जहाँ दफनाया गया था लोगों को पता नहीं था, और उसकी ही मिट्टी के ऊपर, उसी की ही कब्र के ऊपर एक और दफनाने की जब कोशिश करी गई, और जैसे उस मुर्दे ने एलिशा की हड्डियों को छुआ वो जिंदा हो गया। अभिषेक कभी नहीं मरता, एनॉइंटिंग, यस दिस इज़ द सीक्रेट, एनॉइंटिंग। अगर आप अभिषेक से भरे हो, विश्वास मानिए, आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। अभिषेक कभी बूढ़ा नहीं होता, और जिन लोगों के अंदर अभिषेक होता है वो भी कभी बूढ़े नहीं होते। आपने शद्रक मेशक और अबेदेनगो के चेहरे का वो उजाला देखा था, वो ना कोई न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे, ना ही कोई महंगे प्रोटीन डाइट ले रहे, सिंपल साग रोटी खा रहे हैं वो, और उनके चेहरे का जो तेज था वो राजा के उन लोगों से ज़्यादा, आप कह सकते हैं ब्राइट था, रेडिएंट था, जो लोग तरह तरह की शाही, है ना, आप कह सकते हैं जो खान पान की वस्तु इस्तेमाल किया करते थे, बादाम, काजू, अखरोट, ना जाने वो क्या क्या खाते थे, लेकिन सिंपल साग रोटी खाने वाले शद्रक मेशक और अबेदनगो के चेहरे में वो नूर था जो महंगी से महंगी चीज़ों से भी नहीं मिल सकता। तो आप अगर चाहते हैं कि आप हमेशा जवान दिखें, आपका चेहरा देखते ही एक अलग से ग्लो नज़र आए, वो ग्लो जो मूसा के चेहरे पर नज़र आया था,
उसके चेहरे को लोग देख नहीं पा रहे थे, इतनी इतना शाइन कर रहा था उसका चेहरा। सो द सीक्रेट इज एनॉइंटिंग। तो आप भी अगर हमेशा अपनी स्किन को आप चाहते हो जवान रहे, है ना, आपके चेहरे से एकदम ब्राइटनेस झलके, है ना, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम फेयर एंड नाइस, तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उन पर विश्वास करना है। और जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर के चेहरे का जो प्रकाश है वो जब आपके चेहरे पर पड़ेगा तो जो उसका नूर है, जो उसका अभिषेक है, वो आपको और आपकी हड्डियों को सदा जवान रखेगा। इस वचन के द्वारा आप ज़रूर आशीषित हुए होंगे। मैं भी बहुत आशीषित हुआ हूँ। और हालांकि मेरा भी एक 11 साल का बेटा है, बहुत सारे लोग नहीं कहते कि सर ऐसा लगता नहीं है कि आपका 11 साल का एक बेटा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम सो फील्ड ऑफ एनॉइंटिंग एंड आई एम सो यंग, बट हाँ मैं महसूस ज़रूर करता हूँ, जैसे कि पॉलुस कहता है, भले हम ऊपर से जैसे भी हों, लोगों को कमज़ोर दिख रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम प्रतिदिन नए नए और नए और जवान होते जा रहे हैं, है ना। तो अभिषेक कभी नहीं मरता और अभिषिक्त लोग भी कभी नहीं मरते हैं। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं। मरना क्या दिखाता है? डिप्रिशिएशन को, डिटोरिएशन को, घटने को, छीण होने को। लेकिन प्रभु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो सदा जीवित रहेगा। जीवित रहना दिखाता है लाइफ को, लॉन्गटिविटी को, आयुष को, जो कभी छीण नहीं होती, नाश नहीं होती, घटती नहीं। इस वचन को ना सिर्फ आप सुने लेकिन शेयर भी करें प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर। और जब आप इसे शेयर करेंगे, विश्वास मानिए, हर एक सुनने वाले की उम्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से घटती चली जाएगी। यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर ब्लेसेड, मोर एनर्जेटिक एंड मोर हेल्दी इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई ब्लेस यू। आमेन।